किया गया है, ये 2 अप्रैल में शहीद हुए उन युवाओं के लिए किया गया है, उनके परिवार वालों को सम्मान देने के लिए किया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीत कुमार है। आप कहाँ से आए हो? मेरठ से आए हम लोग। प्रोग्राम में क्या हो रहा है यहाँ पर? जो हमारे 2 तारीख को हमारे जो भाई शहीद हुए थे उनकी प्रतिमाएं उनके घर घर जानी है, उन सभी पूरे भारत में जितने भी हमारे जहाँ से जितने भी शहीद हुए सम्मान के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जहाँ भी हमारी बहुजन समाज की जो भी मीटिंग होगी और जो भी क्या नाम है इसका, हम लोगों को जहाँ पर बुलाया जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके अपने बहुजन समाज का नाम, अपने समाज का नाम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रोग्राम से जागरूक होंगे देश में लोग? क्यों नहीं, हमारे क्यों, हम चाहते हैं हमारे जो सभी यहाँ पर जितने भी हमारे युवा साथी आए हैं, हमारे गाँव गाँव से हमारे युवा साथी आए हैं, 2 बस हमारे मेरठ से भर करके आई हैं, और जब हम चाहते हैं अगर हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, अब हमारे भाई कोई शहीद नहीं होगा, ये हम अब शपथ लेकर के हमें यहाँ से जानी है। ये एक हमारा दुख का विषय भी है और ये हमारा खुशी का विषय भी है कि हमारे जो भाई शहीद हुए हैं कि उनकी प्रतिमाएं हम गांव गांव तक पहुँचाएंगे, पर हमें इस बात का दुख है कि हमारे जो एक भाई, एक दर्जन शहीद जो हमारे भाई हुए हैं, वो हमारे भाई कभी शहीद ना हो गए। हम उसके लिए दिन और रात मेहनत काम करेंगे और हम उसको आगे बढ़ा करके अपना भोजन का सम्मान करें। जो प्रोग्राम गया है, आप कब आए हो? कब पहुँचे प्रोग्राम में? प्रोग्राम में कब पहुँचे हो आप? हम सुबह से चले हुए हैं, सुबह ही सुबह पहुँच गए थे। हाँ, तो आप यहाँ पर आए हो? हाँ। तो क्या संकल्प लेके जाओगे यहाँ से? बस ये है, हम जो इनका जो ये 2 अप्रैल को जो लोग गुजरे हैं उनके लिए मान सम्मान होना चाहिए, उनके परिवार को मदद मिलनी चाहिए, उनको मतलब आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है। तो इस सरकार में मदद मिल पाएगी कोई? क्या हमें नहीं लग रहा इस सरकार में कोई मदद मिलेगी, ये तो झूठे वादे कर कर के बेवकूफ़ बना रहा मोदी। नहीं, किसी भी जो भी शहीद हुए हैं ना, अभी तक तो कोई भी कोई आर्थिक सहायता कोई मदद मिली कोई, कोई मदद कोई कोई मदद नहीं मिली है। तो अभी क्या क्या करोगे, मतलब क्या संकल्प लेकर जाओगे यहाँ से? आ जाओ बस। अब हमें संकल्प लेकर के जाएंगे 2019 में हमें बहन जी को दिल्ली बैठाना है, ये हम संकल्प यहाँ से लेकर के जाएंगे। प्रधानमंत्री हमें बहन जी को बनाना है, बहुजन समाज को, बहुजन समाज हमारा इकट्ठा हो रहा है, एक एक फोन पर एक एक लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये आप लोग सुन लीजिए, ये क्या नाम है लोग सुन लीजिए, हम जो अब करेंगे वो आप देख करके बैठ करके देखोगे से। अब हम करेंगे जो करेंगे, मतलब आप अपनी सरकार बनाने, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, जब हमारी कोई सुनते ही ना नहीं है तो हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। ये आप बाबा साहब हमको ये चॉइस दे करके गए, ये हक दे करके गए हैं हमें कि हम अपनी सरकार खुद बनाना चाहते हैं। मतलब अगर आप अपना काम करवाना है, अपना हक पाना है, तो अपनी सरकार बनानी जरूरी है। जी जी, तो सबसे पहले बात तो मतलब हमें अपनी सरकार तो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये मनुवादी सरकार जो है हमारे एक जाति रहित मतलब काम कर रही है, जाति रहित का काम जो मतलब मनु दोबारा से वो इनके पुरानी सोच है वो कि मनुवाद जैसी सरकार ये चलाना चाहते हैं और हमारे जो समाज के जो है शोषित लोग हैं उनको जो और भी ज़्यादा कुचलने का काम ये मनुवादी सरकार काम कर रही है। इसलिए अब ये समाज जो है पूरा तंग आ चुका है इस सरकार से, ताकि ये आज यहाँ देश के कोने कोने से है, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं उन शहीदों के नाम जो है जिनके जो 2 अप्रैल के दंगे में शहीद हुए थे उनकी प्रतिमाएं लेने के लिए गांव गांव से आए हैं। तो यही संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि इस देश में कि ये लोग जो अपनी सरकार बनाए, आप जब इनकी सरकार बनेगी तभी जाकर मान सम्मान यहाँ लोग आए हैं उन्होंने देखा है, तो उनका ये कहना है कि अगर अपना हक पाना है ये मनुवादी सरकार है जो कि 2 अप्रैल में शहीद लोग हुए थे, उनको कोई इंसाफ नहीं मिला, अगर इनको इंसाफ दिलाना है तो अपनी बहुजन समाज का ही कोई नेता बैठाना होगा। मैं कैमरामैन उमेश के साथ।